आप लोगों ने पेडिकल का सर्विस देख लिया होगा कि नहीं? पेडिकल के साथ साथ हमें पेडिकल को भी देखना है, नजर मार रही है। क्या आपने अभी तक पेडिकल का सर्विस चेक किया कि नहीं किया? एनीवन? नो आंसर। चलिए सुन जी लीजिए, सर। चलो ठीक है, ये देख लिया। अब गौर कीजिए, एक कम से कम एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसके इंस्ट्रक्शन मैं आपको पहले से दे चुका हूँ प्रैक्टिकल के हवाले से, उसी को याद है कौन सा है? स्टूडियलाइजेशन वाला सर। सीरियलाइजेशन देखना पड़ेगा ये। नहीं, वो जो हमने पढ़ा है वो किसी और रेफरेंस से पढ़ा हुआ है, प्रेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन ये है कि जब आपने फर्स्ट की ये मीडिया तैयार करना है, मीडिया ग्रो करना है, तो वो प्रोसेस इस्तेमाल होगा, लेकिन एज क्वेश्चन प्रैक्टिकल के लिहाज से मेरा नहीं ख्याल वो पूछा गया हुआ है। जी मैं देखना चाह रहा हूँ जी कि आप लोग पढ़ कुछ को याद और करके भी नहीं जी, प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर्स, ये भी आपने पढ़ाया हुआ हमें। बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, लेकिन वो भी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मतलब है वो एक्सपेरिमेंट जो प्रैक्टिकल में आएंगे, जो आपसे कहा जाएगा ये आप परफॉर्म करें और उसको लिखें और दिखाएं, मैं उस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, मैं यही देखना चाह रहा हूँ सर जी। आपने हमें प्योर कल्चर की प्रेपरेशन पढ़ाया था। बताइए। सर आपने हमें प्योर कल्चर की प्रेपरेशन पढ़ाया था और वो इस प्रैक्टिकल में भी आया हुआ है। प्योर कल्चर की प्रेपरेशन बिल्कुल मैंने आपको कराया हुआ है। हाँ जिसमें आपने हमें मेथड्स बताए थे, वो स्ट्रिकिंग मेथड और वो सारा, तो सर वो जी जी प्रैक्टिकल ठीक ठीक रिपीट हुआ है। जी ठीक है, बिल्कुल सही है जी। मरियम ने याद करा दिया, बल्कि मरियम के याद कराने से वो मैंने सिलेबस को सामने रखा है तो याद है। स्टरलाइजेशन किसने बताया था? स्टरलाइजेशन वाला पॉइंट किसने जॉब दिया था जी? वो सर याद है, मैंने बताया था। सभी आ रहे हैं जी, ठीक हो गया। वो चूंकि मेरे सामने सेवरेंस है, मैंने सेवरेंस निकाल के सामने रखा है, तो प्रेपरेशन ऑफ मीडियम, जब आपने एफटीए को ग्रो करना है आपने उस मीडियम को तैयार करना है। पेल्जर ने दो तीन मीडियम दिए हुए थे, पेल्जर ने जो आप याद, हम पढ़ चुके हैं स्पेशल सेवन में, हम स्पेशल सेवन में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जहाँ पे मीडिया का जिक्र था वहाँ पे उसने दो स्पेसिफिक मीडिया खुद जिक्र किया हुआ था कि ये चीज़ें ऐड करेंगे तो मीडियम बनेगा। अब धर जब उसको ऐड कर लिया तो आपका मीडियम बन गया एक, और याद रखिएगा मीडियम बनाने के बाद हमने उसको स्टरलाइज भी करना था और वो भी डिस्कस हो चुका हुआ है कि हम ऑटोक्लेव, याद रखिए मीडिया को आमतौर पर हम ऑटोक्लेव के जरिए स्टरलाइज करते हैं, अगर जो अदर मेथड भी हैं पॉसिबल हैं सारे के सारे, लेकिन जो जनरल मेथड का ये था। समझ हो गया जी, हमने प्रेपरेशन ऑफ मीडियम का थ्योरेटिक पार्ट किया हुआ है ऑलरेडी सेमेस्टर सेवन में, उसको अपने रिवाइज करना है, दोबारा देख लेना है दो तीन मीडियम जो दिए हमें बल्जर ने। उसके अलावा अदर मीडियाज भी हैं, देर आर मैनी अदर टाइप्स ऑफ मीडिया, ये आप नेट से भी चेक कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहले आप चेक करेंगे, फिर आपने क्या चेक किया, फिर मैं आपको चंद एक जो सिंपल किस्म के मीडिया है उनका जिक्र करके बता सकूंगा कि आपने क्या चेक किया है और मैं उसके बारे में क्या बता रहा हूँ। पहले आपका होमवर्क है, आपने बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कुछ चंद एक सिंपल मीडिया सर्च करना है और फिर मुझे बताना है जी आपने क्या सर्च किया। ठीक हो गया, ये आपका होमवर्क है मीडियम प्रिपरेशन के हवाले से। फिर मेरा सवाल अभी तक अपनी जगह पे बाकी है कि एक बहुत ही अहम प्रैक्टिकल है जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ और हम पढ़ चुके हैं, तो मुझे फोन पे तो बंदा काम कर रहा है, पर एग्जाम जस्ट से तो प्लीज नोट कीजिएगा कि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो आपने अपने नोटबुक्स पे लिखना है वो ग्राम स्टेनिंग वाला होना चाहिए, ठीक है? और अब मैं पहले बता चुका हूँ कि ग्राम स्टेनिंग के लिए हम मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है। अब उसकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप दूध ले रहे हैं, कच्चा दूध लिया है, उसका क्या इफेक्ट होगा? अगर आप दही लेके कर रहे हैं वो क्या होगा? अगर आप किसी लेग्यूम की रूट नोड्यूल यूज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? और ऐसे ही अगर आपने वो लिया है जिसको क्या कहते हैं, ऊपर की नाली से बन लिया, डिपेंड करते हुए आप अपने माउथ से मटेरियल लिया,
डिपेंड करते हुए आपने जो इनोकुलम है वो कहाँ से लिया है उसके ऊपर बेस करेगा जो आपका रिजल्ट होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब पेपर में एक चीज आती है, पेपर में जब प्रैक्टिकल आपका हो रहा होगा, जब आप उसको परफॉर्म करेंगे तो आपका रिजल्ट वो होगा जो एक्चुअल आया है, और वो बेस करेगा आपका मटेरियल कौन सा है। अब होता क्या है हमारे में और मेजोरिटी लोग इसको समझते हैं कि वो क्या करते हैं, देखिए कि प्रैक्टिकल का मकसद ये होता है कि आपने एक्चुअल परफॉर्म करना है, उसकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस और एक्चुअल रिजल्ट देने हैं। अगर आपको दूध दिया गया है, कच्चा दूध दिया गया है, तो उसमें लैक्टोबैसिलस होगा। दूध अगर पड़ा हुआ है, बॉयल नहीं किया गया हुआ, तो उसमें लैक्टोबैसिलस, और लैक्टोबैसिलस के शेप क्या होते हैं, उनका कलर क्या होगा, वो आपका रिजल्ट होना चाहिए। अब होता क्या है हमारे यहाँ लोग प्रैक्टिकल क्या करवाते हैं कि जी दूध दिया आपका दूध हुआ है और उसके अंदर स्पाइरल शेप बैक्टीरिया नजर आ रहे हो। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक नॉर्मल गाय भैंस से जो दूध आप ले रहे हैं उसमें लैक्टोबैसिलस के अलावा और कोई बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, नहीं हो सकते। भैंस अगर शदीद बीमार हो तो कम ही चांस है कि वो दूध दे रही हो। ये चीजें नोट करने वाली होती हैं। आपका रिजल्ट एक्चुअल होना चाहिए, ये ना हो कि आप कर कुछ और रहे हैं और रिजल्ट आपने शो कुछ और किया होगा। दूध के अंदर अगर आप कुछ स्पाइरल बैक्टीरिया बना दें तो उसका मतलब होगा कि ये तो गड़बड़ है, वहां से तो नहीं मिल सकते। अगर एक पेशेंट है, उसकी स्पूटम है, बलगम उसको कहते हैं, अगर आप वहां से मटेरियल ले गए करते हैं तो उसमें इंतहाई खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि आम लैब्स में, जैसे हमारी लैब्स हैं, हम ये क्वेश्चन, हम इस तरह के क्वेश्चन नहीं देते हैं कि आप इस तरह की चीज़ को लेके आगे प्रेडिकेट परफॉर्म करें। लेकिन एडवांस लेवल के ऊपर जहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद हों, आपने देखा होगा पाकिस्तान में क्या सूरत हाल हो गई है। डॉक्टर बेचारे रो रहे थे, कह रहे थे जी हमें हमारी किट्स दी जाए, वो प्रॉपर टाइम पे मैनेज नहीं हो सकी हैं, बहुत से SOPs फॉलो नहीं हो सके। इसका रिजल्ट क्या निकला है आपने सुन लिया होगा कि पाकिस्तान में अब तक कितने डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो बीमार हो चुके हैं और उनकी डेथ हो चुकी है। और जहाँ के वो लोग जो कि जहाद कहलाएगा डॉक्टर्स, इस वक्त जब इलाज कर रहे हैं तो वो जहाद कह रहे हैं, और हम उन्हें, हम का मतलब है तमाम शो के, हाँ वो गवर्नमेंट है, हाँ वो लोग हैं, उनको वो रिकॉर्ड और वो सहूलतें नहीं दे सके जिसके वो डिजर्व करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि लैब, आम लैब्स के अंदर जहाँ पे आम बच्चे हैं, उनको इस लेवल की, एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो खतरनाक हैं, उनको डील करने से अवॉइड किया जाए। ये वजह है हम आमतौर पर नाली का पानी जो है उसमें से बैक्टीरिया सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं करते हैं और नहीं कहते हैं कि आप इसको करें। सोचिए क्या होगा उसमें, आप समझ कुछ बात से कहें, अगर नाली का पानी कहा जाए जिसको लेकर स्ट्रेन करें, देखें बैक्टीरिया कौन से हैं, उसमें क्या खतरा है, सोचिए जरा। सर उसमें जैसे कॉलीफॉर्म ग्रुप अगर प्रेजेंट है सर, वो हमारे लिए बहुत सी बीमारियों का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको अगर हम कल्चर कर लें तो वो हमारे लिए नुकसान का बायस बनेंगे। जी मरियम का जवाब कुछ हद तक दुरुस्त है। याद रखिएगा जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, इकोलाई इट इज अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट, फिर सुन लें, इकोलाई इज अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट, ये आमतौर पर बीमारी पैदा नहीं करता। सिर्फ अगर वो उर्दू का मुहावरा है जी, मरे को मारे शाम मदार, अगर ये कंडीशन हो तो फिर ऐसा होता है। लेकिन याद रखिए कि जो ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं वो सुन लीजिए, पानी में हैजे के बैक्टीरिया हो सकते हैं, हैजा कॉलरा बहुत शुरू मार होता है, और इससे भी ज़्यादा खतरनाक टाइफाइड, पैरा टाइफाइड, आप इन नामों से करवा करते हैं, एंटेरिक फीवर है, डेसेंट्री, पेचिश बहुत आम सी चीज़ है, अम्यूबिक डेसेंट्री। ये मैंने सिर्फ बैक्टीरिया, चंद बैक्टीरिया जो हमारे का मतलब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और इस जैसे गरीब मुल्कों में नालियों के अंदर मैंने जो बीमारियों का नाम लिया है, ये सब के सब, मैंने अभी सिर्फ बैक्टीरिया का नाम लिया है, अभी मैंने वायरस का नाम नहीं लिया है। वायरसेस इससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं, याद रखिएगा। वायरसेस चूँकि हम इस वक्त चूँकि स्टडी कर रहे हैं बैक्टीरियालॉजी को, वायरसेस की स्टडी तो हमारी बहुत माइक्रोबायोलॉजी बहुत सी थी, वायरसेस बैक्टीरिया से ज़्यादा खतरनाक होते हैं हर लिहाज से। उनको स्टडी करना, कैप्चर करना, मेंटेन करना, कंट्रोल करना, वो ज़्यादा खतरनाक हैं, ज़्यादा डेंजरस हैं, और वो तो सिर्फ बहुत ही ऐसी लैब जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिफाजी इकदाम मौजूद हों वहाँ पे काम हो सकता है, वैसे उनको डील ही नहीं करना चाहिए।
चलें बहरहाल आज मैंने आपको दोबारा बता दिया, एक्सपेरिमेंट मैंने इंस्ट्रक्शन पहले दे दी थी, उसका पॉसिबल रिजल्ट मैंने आपको पहले से बता दिया। एक बार फिर फर्ज कीजिए कि आप एक लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नाड्यूल लेके उसको क्रश करके उसका मटेरियल लेके उसको स्टेन कर रहे हैं, तो गेस कीजिए कौन से बैक्टीरिया बनेगा? सर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे उसके अंदर। जी बिल्कुल, उनकी पॉसिबल शेप कैसी होगी, पड़ी हुई है कि नहीं आपने? उसका नाम क्या होगा, उसकी जीनस का नाम किसी को याद रहा हो? नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोसोमोबैक्टर, नाइट्रोसोकोकस। जी ये तीन जवाब दिए हैं अक्सा ने और तीनों ही गलत हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है सर, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे वो रॉड शेप होंगे। नहीं आपने मेरी बात नहीं सुनी है, आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने कहा था अक्सा के तीनों जवाब गलत हैं, मैंने पहले कह दिया है कि अक्सा के तीनों जवाब गलत हैं, आपने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है अब मेरे सर, जी सर एंटेरोबैक्टर। नहीं बेटा आपकी बात भी गलत हो गई। आपको राइजोबियम, राइजोबियम किसने कहा जी? मिसबा ने कहा है, वेरी गुड, मिसबा ने कहा है ना राइजोबियम? जी वेरी गुड, मिसबा ने जवाब दिया जी बहुत दिनों बाद, और हर तंगे चीज है कि मिसबा को जवाब दुरुस्त है, इसलिए मिसबा के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। जी याद रखिए राइजोबियम वो मशहूर स्पीशीज है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और मौजूद है रूट नोड्यूल्स में। चलें बहरहाल मैंने आपको बहुत से हिंट्स दे दिए हैं कि डिपेंड करते हुए आप कौन सी चीज़ कहाँ से मटेरियल ले रहे हैं, आप फर्ज कीजिए अपने ही मुंह से मटेरियल लेके साइड डालते हैं तो फिर क्या होगा, सोचिए उसमें क्या कुछ होगा। आपने अपने मुंह से मटेरियल लिया है और उसको अपने स्लाइड पर डाल के फिक्स किया है और उसको स्टेन किया है, तो बताइए कौन कौन से बैक्टीरिया पॉसिबल हो सकते हैं? जस्ट गेस करना है तो मुश्किल काम तो नहीं है। ये भी फर्ज करना है कि यू आर हेल्दी, यू आर हेल्दी। कौन सर वो जॉब नहीं आ रहा है? दोबारा बोले, आपके माइक से शोर आ रहा है। नहीं बेटा आपकी आवाज में आवाज कम है और शोर बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे नहीं समझ आ रही। गलबन आपने कंपाइलोबैक्टर, गलबन आपने जी सर कंपाइलोबैक्टर। हाँ अगर ऐसा है तो आपका जॉब दुरुस्त नहीं है। और सर स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो का है, स्टेफलो का है, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टोकोकस। आपने कैसे अज्यूम किया कि आपके मुंह में स्ट्रेप्टोकोकस मौजूद होंगे? सर मैंने कहीं पढ़ा था। मैंने शर्त लगाई थी कि आपने ये फर्ज करना है कि यू आर हेल्दी, आप हेल्दी हैं और फिर उसके बाद आप अपने माउथ से अपना ये बैक्टीरिया लिए। क्या हेल्दी बंदे के मुंह में स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं? जहाँ पढ़ा था उसी को दोबारा चेक कीजिए। ये शुक्र है कि आपने स्टेफलोकोकस नहीं कह दिया। जी और कोई जी, अपना माइक बंद करें शोर ताकि मुझे। जी और कोई जी, चलिए मैं एक सवाल दे रहा हूँ। बैसिलस। जी दोबारा बताइए। लैक्टोबैसिलस। आपके मुंह में से आपके मुंह में लैक्टोबैसिलस कहाँ से आ जाएगा? दूध आपने पिया था? कच्चा दूध? यस सर। आपके मुंह से लैक्टोबैसिलस तब निकलेगा अगर आपने कच्चा दूध पिया हो जो काफी देर से पड़ा हुआ हो। यस सर। क्या आप कच्चा दूध पीते हैं? सर समटाइम्स, समटाइम्स। ये आदत तो गांव में होती थी, अब तो रिवाज खत्म हो गया है। गाँव में रॉयल था लेकिन उस पर तरीका ये होता है, अब चूंकि मुख्तलिफ जगहों पे नाम मुख्तलिफ हो जाते हैं। हमारे देहाती इलाकों में रिवाज था जो लोग वहाँ पे रहते थे उस दौर की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत पुराने अब से 44 साल पहले की बात हो रही है, कि कच्चा दूध भी इस्तेमाल होता था और बहुत से तरीके थे। एक तो ये था
कि जिस वक्त दूध दोहा जा रहा है, दूध निकाला जा रहा है, उसको उसी वक्त ही एज सच पी लिया जाए। और भी मेथड थे उसके, और उस दौर में भैंसें भी हेल्दी होती थी, पानी साफ होता था, दूध महफूज होता था, लेकिन आजकल कच्चा दूध कम अज़ कम जो मार्केट में अवेलेबल है वो पीने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि उसमें से पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। जी, अगर आपने बासी दूध, दूध पड़ा हुआ हो, बासी हो, बॉयल ना किया हो, वो पियेंगे तो फिर हो सकता है आपके मुंह से भी लैक्टोबैसिलस निकले। वैसे नहीं, लैक्टोबैसिलस का ताल्लुक दूध के साथ है। एनी हाउ, मैंने आपको बहुत सी चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर दी हैं, और इन सब का ताल्लुक बैक्टीरिया और बैक्टीरिया की स्टेनिंग के साथ है। जस्ट अ मिनट, जी बताइए। इन्फेक्शन की सूरत में जब पता ना चल रहा हो तो तब उस सूरत में सर सम टाइम वो ब्लड कल्चर टेस्ट होता है, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता लग जाता है कि किसका अटैक है, तो फिर सर उस लिहाज से वो मेडिसिन उस्मान ने ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दिया है, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जवाब है, ठीक है जवाब इसका अभी इस वक्त, लेकिन ये इनकम्प्लीट है अभी भी। और कोई जवाब देना चाहता हूं, जो मुझे कुछ बताना चाहता हूं, मजीद कोई कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये टॉपिक मैंने इसलिए पूछा है कि ये पार्ट था आपके सेमेस्टर नंबर 7 में अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री में कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के लिहाज से, क्योंकि अप्लाइड में कंट्रोल शामिल था। यहाँ पे तो उसका फिर दोबारा जिक्र आ गया, ज़ाहिर रिपीटेशन है, मैं ये देखना चाह रहा था आपने ये पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ प्रॉपर। बस सिर्फ उस्मान का जवाब है जी, 100% जवाब दुरुस्त है जो उसने दिया है, जहाँ तक जो मिसिंग है उसमें अक्सर है एंड पे कुछ गेस किया था, बाकी लोग गेस नहीं कर सके। सुन लीजिए कि किसी भी इंसान या एनिमल के ब्लड को अगर आप ग्रो करें, निकल्चर करें स्पेसिफिक मीडियम के अंदर, तो पता चल जाएगा कि क्या उसमें कोई बैक्टीरिया है कि नहीं। याद रखिए कि हो सकता है कि एक बंदा बाजार बीमार ना हो, उसमें बैक्टीरिया मौजूद हो। और जैसे कि उस्मान ने कहा था कि अगर एक डिजीज बंदा बीमार हो और पता ना चल रहा हो कि इसको क्या हुआ हुआ है, तो फिर उसका ब्लड कल्चर टेस्ट करो। अब ये टेस्ट खासा महंगा और खासा लेबोरियस है, बहुत लंबा चौड़ा टेस्ट है और काफ़ी महंगा टेस्ट भी है साथ साथ, और इसका प्रोसेस पेचीदा है, लेकिन बहरहाल मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि ये कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के हवाले से एक बेसिक चीज़ में आ जाता है। आपने बंदे का अगर एक पेशेंट का ब्लड लेंगे जिसमें शक है कि बैक्टीरिया मौजूद है, बंदे का ब्लड लिया, बहुत एक सियासी याद रखिए, ब्लड लेने के लिए जो क्वालिफाइड डॉक्टर या नर्स या डिस्पेंसर से वही ब्लड ले सकता है, उसको उसके बाद जो किट होती है गिवन टेस्ट करने के लिए, उसके अंदर उसको डाल दिया जाएगा। अब अगला स्टेप है, उसको आपने मुख्तलिफ जो कल्चर प्लेट्स हैं उसमें डाल दिया, ग्रो करना शुरू कर दिया, 1 से 2 दिन उसकी ग्रोथ का जो टाइम होगा, जब वो ग्रो जाएंगे उनकी आगे सब कल्चर करेंगे, और सब कल्चरिंग अब इसलिए करनी है चूँकि जो नाम था वो था सिर्फ ब्लड कल्चर टेस्ट, लेकिन इसका जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इसका पूरा नाम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिंपली ये कहते हैं ब्लड कल्चर कराया है, इसका पूरा नाम है ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, ये इसका पूरा नाम है। अब होता क्या है, ब्लड या कल्चर किया, उसकी सब कल्चरिंग की, बहुत सी उसके आपने कापियाँ तैयार कर दी, अब उनके ऊपर वो जो कापियाँ तैयार की हैं उनमें आपने डिफरेंट एंटीबायोटिक्स ऐड करने हैं, से आपने एक में पेनिसिलिन डाल दी है, एक में ऑगमेंटन डाल दी है, एक में आपने अमोक्सिसिलिन डाल दी है, एक में आपने टेट्रासाइक्लिन डाल दी है, एक में आपने सिप्रीफ्लॉक्सिन डाल दी है, एक में आपने लीवोफ्लॉक्सिन डाल दी है, सिफेलोस्पोरिन डाली है, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स को बहुत ज्यादा है जो कॉमन यूज हो रही थी इसी दौर में, वो आमतौर पर वो डाले जाते हैं। हाँ, लेकिन ये भी याद रखिए वो जब आपने इनको ग्रो किया था तो चूंकि ब्लड कल्चर, अगर तो बंदे को एक ही बीमारी है, एक ही किस्म के बैक्टीरिया है, फिर तो पता चल जाएगा जी इसमें एक है, लेकिन बस बैक्टीरिया एक ज्यादा टाइप के खिलाते हैं, उनको प्योरीफाई भी करना पड़ेगा, और जब वो प्योरीफाई हो जाएंगे फिर अगर एक ज्यादा बैक्टीरिया है तो फिर उनके लिए अलग अलग करना पड़ेगा कि अगर 2 किस्म के बैक्टीरिया निकले हैं, बैक्टीरिया कौन से हैं, आइडेंटिफाई भी करना है, और फिर उस पर मेडिसिन डाल के चेक भी करनी है कि कौन सी मेडिसिन से इसको इफेक्ट हो रहा है,
तो याद रखिएगा कि जब गुदा ठीक ना हो रहा हो तो उसका मतलब होता है कि उसमें जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट आ गए, और जब रेजिस्टेंट हो तो फिर सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी एंटीबायोटिक जो लेटेस्ट होती है वो जो है वो यूज़ की जाती है। ये था जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट। अब चूंकि ये आपके सिलेबस में शामिल है मैंने इसको बयान कर दिया है, लेकिन फिर वही मसला है कि इस टेस्ट को हम लैब में इस लेवल के ऊपर बी एस लेवल के ऊपर रिकमेंड नहीं करते कि किया जाए, चूँकि जब आप इंतहाई खतरनाक बैक्टीरिया जो डिजीज का जिंक है पैथोजन है उनको डील कर रहे हों तो हमारे पास वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है लैब्स के अंदर कि हम वो सब कुछ हवाजी के दामा उठाते हुए ये एक्सपेरिमेंट खुद परफॉर्म कर सकें। लेकिन इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपको मैंने बता दिया है कि ये इस तरह से होता है और इस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। जी ये टेस्ट क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो महसूस नहीं हो रही आपको जो मैंने बताया, क्योंकि मेरा जी ये डिस्ट्रैक्ट हो गया था जी ये। जी अब आवाज आ रही होगी, ये डिस्ट्रैक्ट हुआ था। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल? मैंने मेथड आपको बयान कर दिया है ब्लड कल्चर टेस्ट और सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए क्या किया जाता है। सर ये ब्लड कल्चर में जो सा कल्चर है बेसिकली इसके अंदर लिम्फ नोड से भी मटेरियल लिया जाता है? नहीं, आप गड़बड़ कर गए हैं। ब्लड कल्चर टेस्ट पेशेंट की वेन से ब्लड लेंगे, पेशेंट की वेन से ब्लड लिया जाएगा। उसको सबसे पहले तो जो वायल होती है उनके पास, हमने देखा होगा जब आप किसी लैब में जाएं जब वो टेस्ट करते हैं सिस्टम से तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। हर टेस्ट के लिए पहले से बनी बनाई कुछ वायल्स मौजूद होती हैं उनके पास, उनके मुख्तलिफ कलर के ढक्कन होते हैं। अगर आपने कभी गौर किया, ये डिपेंड करता है आप जब चीज़ों को देखते हैं गौर से देखते हैं, उनके ढक्कन डिफरेंट कलर के होते हैं। ईएसआर टेस्ट करने हैं लैब और पिंक कलर के देखे हुए हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही। ब्लड प्रेशर के बड़े साइज की वायल्स होती हैं, उसमें ब्लड दे देते हैं, अब उसको आगे लैब में भेज देते हैं और बाकी काम लैब में किया जाएगा। उसको उसमें से निकालेंगे और मुख्तलिफ मीडिया के अंदर उसको फिर ग्रो कराया जाएगा। अब उसमें टाइम से ज़्यादा लगता है कि कन्फर्म नहीं होता है बैक्टीरिया कौन से वाले हैं और वो ग्रो कैसे होंगे, मुख्तलिफ कंडीशन में उनको ग्रो करके देखते हैं कि वो किस कंडीशन में ग्रो हो रहे हैं। अब अगला स्टेप है जब वो ग्रो हो गए कि वो प्योर कल्चर है या मिक्सड है। अगर तो एक ही स्पीशीज थी तमाम कॉलोनी बनेगी, अगर ज्यादा स्पीशीज है फिर उसको टेक्निक से